नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है कल का दिन और मैंने सुबह का काम धाम सारा निपटा लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं नहाई धोई, बाल वगैरह धोए मैंने, और मैं अब अपने श्रृंगार कर रही थी। अपना तो था नहीं, मैं आंसू का ही था, जो था सामान थोड़ा बहुत, तो उसी से ही मैं अपना कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ, और मेरे ना बाल उलझते नहीं ज़्यादा। मतलब यूँ भी नहीं कि मैं कंडीशनर यूज कर रही, कंडीशनर भी नहीं यूज करती, लेकिन उसके बाद भी भगवान की दुआ से मेरे बाल ज़्यादा उलझते नहीं है। चाहे मैं 2 दिन भी ना बहूँ तो मतलब ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा नहीं उलझते बिल्कुल भी। तो खैर, देखिए जी, यहाँ पे मैंने अपने बालों में कंघी कर ली है। और वैसे तो मैं सूखा सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे था नहीं सूखा सिंदूर, तो इसीलिए जो था बस फिर मैंने वो ही लगाया। और सुबह से अपने काम में जब लगते हैं, साफ सफाई वगैरह सारा कुछ करते हैं, तो देखिए टाइम भी लग भी जाता है और थक भी जाते हैं। और शिफ्टिंग के चक्कर में तो मैं इतनी थक गई, तब तो पता नहीं लगता। जब तक हम लगातार काम करते रहते हैं ना, तो इतना पता नहीं लगता। लेकिन अगर बीच में हम पहले से थोड़ा कम काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो शरीर को पता लगता है कि नहीं, वही है ना कि जैसे मशीन चल रही चल रही चल रही, तो वो चल रही है अपने उसी फ्लो में। लेकिन जब उसका थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, तो काम भी थोड़ा स्लो हो जाता है। वो पता लगता है कि हाँ भाई, मशीनरी जो है वो थोड़ी स्लो चल रही। तो वही शरीर का है, जब तक मैं पूरा काम ले रही थी शरीर से, तब तक वो अच्छे से कर रहा था। अभी बीच में ऐसा हुआ कि मतलब थोड़ा सा स्लो हो गया, तो ऐसा लग रहा कि मेरे से काम नहीं हो पा रहा। वो थकान सी जो एक होती है ना, वो वाली चीज हो रही। तो खैर देखिए, यहाँ पे चाय मैंने रखी थी बनने के लिए, अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए। तो जब तक वो बन रही थी, तब तक मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो रैक में बर्तन वगैरह थे, इनको मैंने कर दिया है, सेट कर दिया। और खड़े भी रहने का क्या ही फायदा, यहाँ पे खड़े तो देखे रहते ही हैं। और आप सबको अपडेट दे दूँ अपने नए घर की, तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है उसमें। अभी जो सिचुएशन थी वही है, जब भी उसमें मतलब जो उसका थोड़ा सा करने के लिए दिया हुआ है कि वो बन लग जाए स्टेबलाइजर वगैरह, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा, बनाने में लगता होगा टाइम या क्या होता होगा मुझे तो पता नहीं, पर उसमें टाइम लग रहा है। तो खैर, जब तक वो नहीं होता, तब तक तो देखे ही हुई रहना पड़ेगा इधर ही। और मैं सही में बताऊँ, मुझे खुद बहुत शर्म आ रही है, रह तो मैं जरूर रही हूँ। हालांकि कहता तो देखे कोई कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में इतनी शर्म सी लग रही कि मतलब क्या करूँ। मुझे सही में, अगर मेरे से कुछ हो पाता ना इस टाइम, तो मैं कर लेती कुछ ना कुछ। पर अब तो बस वही है कि जब कुछ और ऑप्शन नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन यहीं पे ही रहता है कि यहाँ पे रुक जाए। तो खैर, वही कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या हुआ है। बस पता नहीं जी, मैं ना सच में सही में बताऊँ, मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि मैं किधर को जाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ नहीं मेरी समझ में आ रहा। ऐसा हो रहा है कि एक बार को मन में पछतावा सा भी हो रहा है, फिर एक बार को मन में विश्वास होता है कि नहीं इंदु, भगवान ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अगर मुसीबत दी है या दुख दिया है, तकलीफ दिया है, तो उससे निकाल लेगा भी वो ही। तो वो भी होता है, एक मन में विश्वास भी है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो थोड़ा पछतावा सा हो रहा है, पता नहीं। बस खैर, कोई बात नहीं जी, पर ये मैंने जरूर सोच लिया है कि ये आखिरी घर है जहाँ मैं किराए पे हूँ। इसके बाद या तो मैं जाऊंगी तो मैं अपने ही घर में जाऊंगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाने की, या फिर मैं सीधा जाऊंगी गाँव में, क्योंकि अब मैं सामान उठा उठा के थक ली। अब मेरे से और होता नहीं है, कम से कम एक अपना ठिया हो जाए, एक अपना ठिकाना हो जाए। चिड़िया को भी एक घोंसला चाहिए होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं चिड़िया से भी मैं गई गुजरी होगी, कि मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा। मैं क्या, मेरे बच्चे भी हैं उसमें, दोनों तीनों ही, वो वाली चीज हो रही है कि बस। अब जब मैंने, बल्कि मैं पीयू के डैडी को भी ये चीज बोल रही थी, मैंने कहा अगर पीयू के डैडी इसके बाद अगर सामान उठाना पड़ा ना, अगर सामान उठाया तो सिर्फ अपने घर जाने के लिए सामान उठेगा, कहीं और जाने के लिए नहीं। और अगर ऐसा हुआ ना, तो फिर मैंने कहा मैं बच्चों को लेके गांव में जाऊंगी, फिर ऐसे नहीं मैं रहूंगी कि दर दर भटकती रहूं, कि मैं मकान पे मकान बदलती रहूं या कुछ भी करती रहूं, तो वो वाली चीज नहीं मैं बिल्कुल करने की। क्योंकि मैं ना बिल्कुल टूट गई इस बार ना, मैं बिल्कुल अंदर से ऐसा हो गया कि नहीं इंदु, मतलब अब रहा नहीं वो वाला हिसाब। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही थी। दोपहर के खाने में मैं आलू, शिमला मिर्च और प्याज टमाटर वगैरह डाल के बना रही थी, तो धनिया जीरा छटक गया। उसके बाद मैंने उसमें डाल दिए थे ये प्याज के लंबे लंबे से स्लाइस काटे मैंने, फिर उसके बाद उनके हल्के से फ्राई होने के बाद मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया, नमक डाल दिया। तो अभी जो मसाला है वो थोड़ा सा पकेगा, तो तब तक मैंने कहा चलो मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि अभी उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैं भी आटा लगा दूंगी, और मैं आज फिर आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं बोल रही हूँ और वो चीज़ें शायद रोज रोज कहना भी सही नहीं है, लेकिन मैं
अंदर से मतलब इतना मन दुख रहा है, और चिड़चिड़ापन तो इतना ज्यादा हो रहा, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा। पियो के डैडी भी खुद मुझे कह रहे कि इंदु तुझे क्या हो रहा, कुछ बात करनी भी मुश्किल हो रही, तेरे साथ ही कुछ भी कहते हैं, तू एकदम से चिढ़ जाती है। अब बताइए चिड़ू ना तो और क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। और पता भी है कि भाई देखिए वो भी कुछ नहीं कर सकते उस चीज में, पर ये शायद परीक्षाएं ली जा रही, पता नहीं भगवान और कितनी हमारी परीक्षा लेगा, कब तक हमें यूं ही दर दर भटकना पड़ेगा, कब तक नहीं। तो खैर देखिए जी, सब्जी मैंने दूसरी गैस पे रख दी है बनने के लिए, उधर मैं रोटियां सेकने लगी हूँ, क्योंकि अभी तक ये था कि चलो आई जाएंगे सब खा लेंगे बैठ के, अब मतलब बनती रहेंगी साथ के साथ, तो अभी वैसे तो ठीक है कि बनती रहती हैं तो फिर खाते रहते हैं, पता रहता है कि कितनी बनानी है, पर फिर भी मैं कह चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझे जितना लगा मैंने उतनी रोटियां बना दी, फिर मैंने आटा बचा दिया था थोड़ा सा, मैंने कहा अगर कम रही तो मैं फिर बाद में बना दूंगी, बल्कि फिर बाद में मुझे पीहू के डैडी के लिए रोटियां बनानी भी पड़ी थी, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ मेरी लगभग जो हैं वो बन गई हैं सबके लिए ही, और जिज्जा जी तो खाना जो है वो ज़्यादातर ऑफिस में ही खाते हैं, सुबह का नाश्ता करके वो तो अपना ऑफिस में चले जा, खाना लगा दो तो उसको भी वो अपना ऑफिस में ही लेके चले जाते हैं, अपने तो वहीं पर ही खाते हैं। तो जी देखिए रोटियाँ मैंने सेक दी हैं यहाँ पे, फटाफट से मैं गैस साफ करूंगी सब सामान, और वही जो मेरी आदतें हैं भले ही मेरे घर बदलते जा रहे हैं, चौथा पता नहीं पांचवा घर है इस बार ये, सबसे पहला तो यही घर मैंने छोड़ा जिसमें फिलहाल मैं हूँ, उसके बाद जो उधर अंकल वाला घर था वो था दूसरा घर, तीसरा घर था जिसमें सिलन थी वहाँ पे, चौथा घर ये वाला घर है जो हमने छोड़ा, और इस बार ये पांचवा घर है जिस घर में मैं गई हूँ। इतने घर तो खैर कोई भी नहीं बदलता होगा सही में जितने मैं बदलती हूँ, पता नहीं क्यों क्या है मेरी उसमें कि ठिकाना ही नहीं है या क्या है। तो खैर देखिए जी बस अभी यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ बर्तन ये जो थे ये साफ कर ले रही हूँ मैं, और मैं मुझे ये था मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े से कर लेती हूँ, जो वही जैसा कि मेरी आदत है अपनी आदतें घर बदलने के साथ, आदतें तो मेरी चुकी तू है, आदतें बदल जाएं तो शायद और अच्छा हो जाए, सामान को इधर उधर उठाने की वो चीजें मेरी चेंज हो जाए तो शायद ज्यादा सुकून हो मेरे जीवन में, क्योंकि उस आदत से भी मैं अपनी बहुत परेशान हूँ, मैं बता नहीं सकती कुछ चीजें मेरे जीवन में ऐसी है जिन्हें मैं चाहती हूँ कि ये बदल जाए लेकिन वो बदल नहीं पा रही मैं, बल्कि वक्त के साथ टाइम के साथ सिचुएशंस के साथ वो और ज्यादा बिगड़ती जा रही बिगड़ती जा रही, और इसका मुझे पता है कि मेरे शरीर पे कितना बुरा फर्क पड़ रहा है, मैं मानती हूँ उस चीज को भी कि मैं मतलब मेरा शरीर ऊपर से मैं जितनी मर्जी मोटी होती जा रही लगता भी है दिखती भी हूँ मुझे खुद को भी पता है, लेकिन शरीर में अंदर उतनी जान नहीं है, उस टाइम तो जोर जबरदस्ती करके मैं कर लेती हूँ कि नहीं भाई मुझे करना है, क्योंकि मैं अपनी मेंटली सिचुएशन से इतनी परेशान हूँ कि जब तक मैं उसे नहीं करूँगी तब तक वो मुझे चैन से बैठने नहीं देगा, तो फिर जितना भी जोर जबरदस्ती मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ उस काम को करने के लिए, लेकिन बाद में उसका पछतावा मैं सही में बताऊँ इस टाइम मैं भुगत रही हूँ, मैं अपने शरीर से इस टाइम इतनी परेशान इतनी लाचार खासकर अपनी कमर से हो रखी कि मतलब मैं जानती हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रही, जब मैं लेटती हूँ ना तो कमर ऐसी होती है बिल्कुल मतलब यूं होता है कि लगा ना बिल्कुल भी इसको बेड पे या गद्दे पे या जहाँ भी खड़ी रहेगी, खड़ी रहूंगी तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो खैर देखिए मैंने खाना लगा दिया है, और कन्हैया पीहू रूही गुड्डू कृष्णा यहाँ पे बैठे हैं, जिज्जा जी अपना खाना लेके चले गए थे ऑफिस में, पीहू के डैडी आए थे बाद में, तो फिर मैंने कहा चलो इन लोगों ने खा लिया खाना तो जो काम है अपना समेटो साथ के साथ ही, तो सुबह के टाइम तो आंटी करके जाती हैं, दोपहर का सारा वो फिर अपने आप से ही करना होता है, उधर भी अब सुनीता ऐसे ही करेगी कि वो सुबह को आके बर्तन और झाड़ू पोछा करके जाएगी, फिर बाद में जो है वो मतलब खुद से करना, और करना ही क्या है जब मैं तो वहां पे हूं ही नहीं, वो बेचारी 2 दिन के लिए आई थी उधर, अब वो भी आ नहीं रही है, जब मैं ही नहीं वहां पे हूं तो वही आके क्या करेगी, तो देखती हूँ बस जैसा जैसा, सच में मन बहुत परेशान है। तो खैर देखिए जी बर्तन मैं यहाँ पे फटाफट से ये मांज लूंगी, ज्यादा तो थे नहीं क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो बर्तन एक्स्ट्रा होता है वो मैं साथ के साथ मांज के रख देती हूँ, फिर जो दोपहर के खाने के बर्तन होते हैं वो इतने नहीं होते थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादातर तो मैं क्या करती हूँ कि जो खाना बनाने के बर्तन भी होते हैं ना तो उनको भी मैं खाना खाली करके मतलब साफ कर देती हूँ पहले ही, फिर बाद में खाने खाने के ही रह जाते हैं, पर कई बार होता है कि सब्जी ज्यादा होती है या चीज ज्यादा है या खाया नहीं किसी ने या कुछ भी, तो फिर मैं वैसे ही कर देती हूँ। तो जी हो गया है मेरा दोपहर का काम तो जी पूरा, टाइम बज गए हैं 3:15 और अब निपटा मेरा काम, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, पीहू के डैडी बैठे हैं यहाँ पे नीचे। खाना खा गए, सब्जी हो गई, खाना खाया, कैसी लगी सब्जी? ये अच्छी लगी।
बहुत जी तोड़ लगा के बनाई मैंने बहुत देर, तो वो एक तो चक्कू ही नहीं मिला मुझे काटने वाला, वो चक्कू तक काट तो ही दुखी होगी मैं, वो नहीं मिला मैंने सुना डैडा। कि और तो कुछ चक्कू नहीं चाहिए होता, कैंची चाहिए हो? नहीं उनके पास कोई एक अलग सी चीज होती है जो सबसे तेज होती है। तारा क्या काटता हो जबान तो तुम बताओ। मैंने जबान का नाम लिया। वो मुझे पता ना आप जहाँ बोल रहे। नहीं नहीं मैंने जबान का कोई नाम लिया। तो तुम बता दो फिर। मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। वापस नहीं ले रहा। तो वो बताओ कि ये गंदी बात बेटे उधर जाकर करते, ये बताओ कि कौन सी चीज है। और तो मैं तो सारी आ गई ना, और तो मैं ही थोड़ा ही अकेली आई है। नहीं मैं नहीं अपने शब्द वापस ले लिए। हाँ ले लिए कहिए ले लिए। ऐसे काम करा है सिद्धे से दिखे हैं, पर जितने टोंट मारे ना ये हर चीज में, ये सास को भी फैल करा है। मुझे अपनी सास की कमी कभी महसूस नहीं होती है, कहना जेठ जिठानी ननंदन दोई सास ससुर सब की कमी पूरी करते हैं ये। टाइम पास भी तो होना चाहिए। हाँ सास बन के होगा। अच्छा लग रहा, किसके सूट में तो कपड़ा काटता है वो दिखाइयो मुझे। ये अभी खुला नहीं है, ये दबा दिया इन्होंने। हाँ कोई बात नहीं, देखो सुंदर लग रहा। वीडियो भी है इसकी कृति कला पे जाके। हाँ जी, जिसको भाई अलग अलग जिनके पास कपड़े फालतू हो या सिलाई का शौक रखते हो, तो पीयू के डैडी का एक चैनल है कृति कला, आप उस पे जाके सर्च कर सको। वहाँ पे इन्होंने ना सारे क्रिएटिव चीजें ऐड की हुई, उसमें कुशन कवर भी हैं, ये भी हैं, रजाई भी हैं, और भी फलाने ढिमके से सारी चीज मिल जाएगी। तो जी कृति कला चैनल है, उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे जाके देख लियो। तो अभी मैं करूंगी रेस्ट, थोड़ा सा बच्चों को लेके बैठूंगी, लेटूंगी बैठूंगी क्या लेटूंगी ही। ऊपर कहाँ छत पे, ऐसी गर्मी में कहीं नहीं जाया जाता अपना। ना ना मैं नहीं जाती, गाड़ियां पटक रही है अखबार में, आज ही नहीं पढ़ा रहे पढ़ रहे थे सुबह आप गाड़ी में आग लग गई। जाती है ना जान देती है, ऐसा कसम खाई तो तुम चले जाओ गर्मी में, मैं नहीं जाती थी क्या कहीं सी। मैं तो जाकर अपना कमरे में एसी में लेटू क्यों धक्के खाए धूप में। तो जी शाम का हो गया है टाइम, शाम का क्या रात का ही हो गया, 8:30 बज गए। और अभी यहाँ पे 5-10 मिनट पहले मौसम ठीक सा हो गया था, क्योंकि बरसात आई थी। कितनी आई थी तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने बाहर निकल के देखा नहीं, पर मौसम ठीक सा हो रहा था। तो मैं सोच रही एक बार जाके देख लूँ, क्योंकि फर्श भीगने से अंदाजा हो जा, जाकर क्या देख लूँ, यहाँ को नहीं पता चलेगा क्या, कहीं भी नहीं, सड़क तो सूखी पड़ी पर बादल हो रहा। नहीं भाई बादल हो रहा है तो खतरनाक वाला, अगर दिख रहा है तो उसपर बत्ती चला कर रखी, लाइट भाग रही ना और हवा भी चल रही, उन्होंने भी बत्ती चला कर रखी, मोमबत्ती है वह बत्ती नहीं, बादल हो रहा भाई। वैसे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही भाई, तूफान आने वाला आ गया, ये तो आ गया, चलो अंदर का दीवार जा।